समाचार में दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का चीन को जवाब, 1962 और आज के भारत में बहुत अंतर है। क्षेत्र में चीनी सेना की गतिविधियों पर भारत ने कहा, चीन ने 2012 की सहमति का उल्लंघन किया। भारत चीन तनाव के बीच चीन ने नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकी, 400 श्रद्धालु निराश। जीएसटी पर अरुण जेटली ने कहा, कुछ नया करने पर शुरू में दिक्कतें होती हैं मगर बाद में सुधार होगा। रूस के सहयोग से बनने वाली कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की तीसरी इकाई में काम शुरू, 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। जीएसटी जश्न के अवसर पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा इसे लागू करने के लिए तमाशे की जरूरत नहीं। जेईई परीक्षा में कृपांक देने पर मद्रास आईआईटी से उच्चतम न्यायालय ने मांगा जवाब। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सहारनपुर की घटनाएं राजनीतिक साजिश, मायावती को सहारनपुर जाने की अनुमति देना प्रशासनिक भूल। चीन की हठधर्मिता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लुई को इलाज के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन पहली बार जर्मनी में करेंगे मुलाकात। फ्रांस में मस्जिद के सामने भीड़ में कार घुसाने की कोशिश, एक गिरफ्तार। जर्मनी की संसद में प्रस्ताव पारित कर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स की कार से मियामी में हुई दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।